विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 17 का 17वां सीजन काफी बायस्ड रहा है। बिग बॉस ने इस बार खुलकर अपने चहेते कंटेस्टेंट का सपोर्ट किया। शो में कई बार अंकिता लोखंडे, नील भट्ट या फिर मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस की तरफ से थेरेपी रूम में बुलाकर समझाया गया। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि इस सीजन का विनर भी फिक्स हो गया है। कई लोगों ने दावा किया है कि मेकर्स अंकिता लोखंडे को इस सीजन का विनर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है। अब मीडिया राउंड के बाद कई सेलिब्स ने इस बात का हिंट भी दिया है। दरअसल बिग बॉस 17 के मीडिया राउंड में मुनव्वर फारूकी से लड़कियों को चीट करने और अभिषेक से लड़कियों को मारने पर सवाल किए गए। ऐसे में फैंस मीडिया के सवालों से थोड़ा नाराज दिखे। फैंस से लेकर सेलिब्स तक को लगता है कि मीडिया के सवालों के जरिए अंकिता लोखंडे की छवि को साफ करने की कोशिश की गई है ताकि वह शो की विनर बन सके। किशोर मर्चेंट ने लिखा, आज के एपिसोड के बाद सब समझ गए हैं कि कौन शो जीतने वाला है। मनु पंजाबी ने लिखा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी ना, ठीक है, मुझे लगा कि इमेज व्हाइट वॉश की जा रही है अंकिता लोखंडे और विकी जैन। खैर कर भी कह सकते हैं मायके जो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या शानदार प्रश्न पूछे या क्या शानदार जवाब, जैसे सवाल पहले ही मिल गए हों। वहीं राजीव अदातिया ने लिखा, जब अभिषेक और मुनव्वर की बात आती है तो मीडिया धोखाधड़ी और आक्रामकता के बारे में बात करना क्यों बंद नहीं करता है, यह बहुत गलत है। खेल के बारे में बात करें, इसका बिग बॉस से क्या लेना देना, कृपया कोई मुझे समझा सकता है। आज के एपिसोड में कोई भी खेल के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है बिग बॉस 17। आपको बता दें कि बिग बॉस 17 के लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों कंटेस्टेंट अपने वोट से एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि मेकर अंकिता लोखंडे को जिता सकते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि अंकिता लोखंडे शो की फिक्स विनर हैं और ये सीजन बायस्ड है। ऐसे में अंकिता विनर भी होती हैं तो लोगों के लिए ज़्यादा शॉकिंग नहीं होगा। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।